देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्मा सर कह रहे हैं कि एक एथलीट है, मैं राइट? अब इससे अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बहुत तगड़ा है और ये दौड़ रहा है, मैं राइट? और ये जो रफ सरफेस है इस पर दौड़ रहा है, जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.9 काफी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं, कहें साहब ये इतना दमदार आदमी है, इनिशियली भले यू बराबर 0 चालू हो लेकिन ये दौड़ता चला जाएगा, इसकी स्पीड में कोई कमी आएगी नहीं, ये दौड़ता हुआ चला जाएगा, स्पीड मतलब लगातार बढ़ती जाएगी, कोई अब उधर नहीं कर पाएगी, ये दौड़ते हुए चले जाएंगे, कोई इनकी स्पीड में कमी नहीं आएगी, समझ रहे हैं? रुक नहीं रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सेलरेट करते जा रहे हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कह रहे हैं कि भाई साहब ये अपना 50 मीटर चलने में कितना समय लेंगे? तो आपने कहा कि भाई साहब दो पार्ट में है, तो एक पार्ट में कर रहे हैं, कट तो नहीं रहा, मैं कर रहा हूं थोड़ा सा इधर भी ले ले, हमें मालूम है इस मासूम है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, निकालना है। देखिए एस दिया हुआ है पहला 50, यू बराबर 0 चले हैं आप बहुत अच्छे, बस आपको ए मिल जाए तो आपका काम बन जाए, राइट? ए निकाल लिया जाए, क्या होगा? ये इधर फोर्स लग रहा है इसीलिए कहा जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, एफ बराबर एम ए लगेगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो आपने कहा यहां से निकाल लेंगे ए, F इज इक्वल टू म्यू, जितना आगे चल रहा है फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं, ये बराबर M इंटू ए है और आप जानते हैं ये mg होगा, इसका रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस और वो म्यू आर जो कि म्यू mg के बराबर होगा। mm काट लीजिए, ये 0.9 दे रखा है म्यू, जिंदगी आसान करने के लिए g 10 ले लीजिए, तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, काम बन गया। आपने कहा सर जो ए है वो आपको मिल गया है, ये घटबड़ नहीं रहा है, ये डायरेक्ट एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है, कहीं इनकी एक्सेलरेशन बीच में टूटी नहीं, इतना ताकत है कि अनना देता है 50 मीटर तक, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल जाता है, थकता नहीं है, इसकी वेलोसिटी कम नहीं होती है, बस इसको आपने गुणा कर लिया 109 टी स्क्वायर, इसलिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9, इसलिए टी इज इक्वल टू 10/3 सेकेंड। तो ये तो कहानी की खत्म हो गई, ये बगैर थके दौड़े दौड़ते चले जा रहे हैं और यहां तक पहुंच गए हैं, अब उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़े से हप गए हप गए कि यानी कि यहां से जो है ये डी एक्सेलरेट करने लगे हैं और ये डीएक्सेलेट करते 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 ये हालत हो गई है इनकी कि अगले 50 मीटर में ये जाके इनकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, रेस्ट पे आ गए। तो बर्मन सर पूछते हैं गुरु यहां से यहां तक जाने का कितना समय लेगा? तो यहां एक बात देखने और समझने वाली बात ये है कि जब ये दौड़ते दौड़ते यहां पे आए हैं, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट थी तो यहां पे एक वेलोसिटी हो गई होगी जो इस अगले 50 मीटर के लिए क्या काय का काम करेगी, इनिशियल वेलोसिटी काम करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो पहले निकाल ले भाई सर। आपने कहा कि इस स्थान पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपने कहा कहां चले थे, रेस्ट से, किस एक्सेलेरेशन चले थे, 9 से, कितनी देर तक चले थे, 10/3 तक चले थे, तो फिर क्या हुआ उससे, कहने लगे ये 3 काट दिया, यहां पे जब पहुंचे थे तो ये 30 मीटर पर सेकंड पे हो गए थे, तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेके यहां तक समय निकालना है, वेलोसिटियां मालूम है, इनिशियल और फाइनल डी एक्सेलेरेशन आ जाए तो काम बन जाए, टाइम निकल रहा है। तो आपने कहा कि हमको मालूम है इस मासूम है, इसे हम निकाल सकते हैं, ये आपका 0 है, ये आपका 30 है, बस हमको ये डीएक्सेलेरेशन मिल जाए तो ये भी टाइम वाले।
सर ने कहा है कि यहां से यहां तक जाने में मिनिमम टाइम लेगा। बात समझने वाली है, गंभीर है फिजिक्स। यहां से लेके यहां तक मिनिमम टाइम लेगा, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये थ्रू आउट एक्सेलेरेट कर रहे थे, थ्रू आउट एक्सेलेरेट कर रहे थे 50 मीटर तक, यानी 50 मीटर तक एक्सेलेरेट करते गए, तो क्या होगा, मिनिमम ही टाइम में तो पहुंचे होंगे यहां से यहां, कहीं रास्ते में रुके तो है नहीं, खरगोश की तरह हौंक दिए। तो यानी यहां से यहां तक का जो एक्सेलेरेशन था, जो कि मिनिमम था 50 मीटर का था, तो अगले 50 मीटर तक ये उसी मिनिमम टाइम में पहुंच रहे, तो इनका डी एक्सेलेरेशन भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना इस सेक्शन में इनका एक्सेलेरेशन था। तो आप समझ गए भाई साहब, आपका यहां से यहां तक का जो डी एक्सेलेरेशन है, जिसकी वजह से आप 30 मीटर से जीरो हुए हैं, वो उतना ही होगा जितना यहां से यहां तक का है, -9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां से यहां आप मिनिमम समय पहुंचे 50 मीटर में, इसकी वजह से कहीं रुके नहीं है, शुरू से एक्सेलेरेट कर रहे हैं, कहीं थके नहीं है, कहीं भी लॉजिक चेंज नहीं आया, बढ़ती चली जा रही है। तो कह रहे भाई साहब उतना ही मिनिमम समय में इनको यहाँ पहुंचना है, उतना ही मीटर है, तो जाहिर सी बात है आप चाहे कैलकुलेट कर लीजिए तब भी वही डी एक्सेलेरेशन आएगा, बस काम आ गया। तो जब आपने इस डी एक्सेलेरेशन को यहाँ रख लिया तो आपका काम बन गया है। तो यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय है 9/T = 30 हो जाएगा, और T = 30/9 3 से डिवाइड कर दिया जाए। तो दोस्तों यहां से यहां तक पहुंचने में भी इनको इतना समय लग रहा है, और यहां से यहां तक पहुंचने में भी इतना ही समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, बहुत कॉमन सी बात है कि मीटर तो 50-50 है, am I right? क्योंकि यहां पे उतना ही एक्सेलेरेशन है और उतना ही आपका रिटार्डेशन है, क्योंकि जितने मिनिमम समय में यहां पहुंच रहा है 50 मीटर, उतने ही मिनिमम समय में 50 मीटर यहां पहुंच रहा है, तो उतना ही डी एक्सेलेरेशन होगा, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।